तो ये वाला जो बाइक है वो मैं जनवरी 2023 में खरीदा हूँ और बाइक को अभी तक मैं चला रहा हूँ और लगभग अभी तक इसको मैं लगभग 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ। बाइक का एक्सपीरियंस तो मुझे अच्छा मिला है, लेकिन यहाँ पे बाइक का आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी दूसरे के केस में ये सही भी हो सकता है, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे सही नहीं है। तो आपको YouTube पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यू देखने को मिलेगा रॉयल एनफील्ड रिगार्डिंग, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि रॉयल एनफील्ड अगर आप बाइक खरीद लेते हो तो आफ्टर सेल सर्विस आपको कितना खराब मिल सकता है। अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है तो किस किस जगह पे दिक्कत होगा वो डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा ये जो YouTube चैनल है ये कोई बाइक रिलेटेड चैनल नहीं है, ये एक कम्प्लीटली टेक यूट्यूब चैनल है, लेकिन फिर भी मैं इस रिव्यू को इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे लगता है कि जो मेरे साथ यहाँ पे स्कैम चल रहा है रॉयल एनफील्ड रिगार्डिंग, मेरे साथ जो ये धोखेबाजी चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अदर केसेस में मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर जो वीडियो है वो आईफोन्स रिगार्डिंग बनाता हूँ, और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आफ्टर 9 मंथ मेरा इस बाइक के साथ कैसा एक्सपीरियंस है, आफ्टर सेल सर्विस मुझे कैसा देखने को मिला है। तो इन डिटेल्स बात करेंगे वीडियो में, आप लोग अंत तक देखना, और अगर आपको रॉयल एनफील्ड के बारे में एक्चुअल असलियत जानना है तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखना चाहिए। तो अगर आप इस बाइक को खरीद लेते हो तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको टोटल 5 सर्विसिंग फ्री में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैग में मेंशन किया हुआ रहता है, फर्स्ट सर्विसिंग आपको मिलेगा 500 किलोमीटर के बाद, और यहाँ पे सेकेंड सर्विसिंग मिलेगा अगर 500 किलोमीटर हो गया या तो 180 डेज हो गया है। तो इस तरह से आपको टोटल यहाँ पे 4 सर्विसिंग जो है वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है, लेकिन ये सच नहीं है। आपको एक भी सर्विसिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पहला सर्विसिंग की, तो पहला सर्विसिंग में यहाँ पे तो फ्री है, लेकिन जब भी आप बाइक को लेके जाओगे तो पहला सर्विसिंग में आपको लगभग यहाँ पे 2000 रुपया खर्चा पड़ेगा, और ये जो 2000 रुपया है ये फ्री नहीं है, आपको कम्प्लीटली आपके पॉकेट से देना पड़ेगा। सेकेंड सर्विसिंग की बात करूं तो मैं ऑलरेडी सेकेंड सर्विसिंग भी करा चुका हूं, और सेकेंड सर्विसिंग में लगभग आपको 1000 रुपीज जो है वो देना पड़ेगा, और एकदम ये बेकार सा सर्विसिंग है। तो आपका यहाँ पे जो सेकेंड सर्विसिंग होगा या फर्स्ट सर्विसिंग होगा उसमें आपको कुछ भी नहीं करेगा, केवल बाइक को कम्प्लीटली वॉश कर देगा और उसके बाद चेन में थोड़ा सा लुब्रिकेशन करके देगा, और उसी में आपको जो चार्जेस लिया जाता है वो बहुत हेवी चार्जेस लिया जाता है। और मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर से भी बात किया था कि ये जो सर्विसिंग चार्जेस है यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है कि कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन कम्प्लीटली फ्री क्यों नहीं है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि सर्विसिंग जो है वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अगर इस बाइक को खरीद लेते हो तो आपको फ्री ऑफ सर्विस मिलेगा, ये बिल्कुल झूठ है, आपको फ्री सर्विस नहीं देखने को मिलता है। दूसरा, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड क्लेम करता है कि आपको रोड साइड असिस्टेंट देखने को मिलता है। रोड साइड असिस्टेंट का ये मतलब होता है कि अगर आपका बाइक रास्ते में किसी जगह पे खराब हो जाता है तो सर्विस सेंटर से लोग आएगा, आपका बाइक उठा के लेके जाएगा और आपको सर्विस करके देगा, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो ये आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी किसी गांव में रहते हो, किसी ऐसे जगह पे रहते हो, तो ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। मेरा बाइक एक बार खराब हो गया था, मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर से बात किया, सर्विस सेंटर से बात किया, और वो लोगों ने बताया कि जिस पिन कोड से आप बात कर रहे हो उस पिन कोड में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो रोड साइड असिस्टेंट के नाम पे जो आपको 5000 रुपीज लिया जाता है या तो किसी किसी जगह पे और ज्यादा लिया जाता है, ये एकदम बकवास है, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ चार्जेस देना पड़ता है। तो ये वाला जो बाइक है मैंने खरीदा था RD ऑटोमोबाइल से। मैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल का रेसिडेंशियल हूँ, और ये जो RD ऑटोमोबाइल शोरूम है ये आपका बांकुड़ा में पड़ता है। उन्होंने मुझे कहा था कि आपको 2 महीने के बाद इसका RC मिल जाएगा और आप शोरूम से जाके कलेक्ट कर लेना। अभी तक लगभग 9 महीना हो गया है लेकिन मुझे RC नहीं मिला है। अब आप बोलोगे कि अगर RC मुझे नहीं मिला है तो मैंने क्या किया। मैंने शोरूम से 3-4 बार विजिट किया, मैं उन लोगों को लगभग 7-8 दिन बाद हमेशा कॉल करता हूँ। अभी फिलहाल वो लोग मुझे ब्लॉक कर दिया है। ये जो बांकुड़ा का शोरूम है RD ऑटोमोबाइल्स, ये लोग मुझे अभी ब्लॉक कर दिया है, उन लोगों को मैं कॉल भी नहीं कर पाता हूँ। दूसरे नंबर से मैं कॉल करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि मेरा यहाँ पे जो RC है उसका क्या हुआ। कुछ दिनों के पहले ये लोग कह रहा था कि आपको RC मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे RC नहीं मिला है।
कि अगर आप वेस्ट बंगाल के किसी भी एरिया में रहते हो तो आप बांकुड़ा रॉयल एनफील्ड शोरूम से कभी भी बाइक मत खरीदना, क्योंकि उन लोगों का आफ्टर सेल सर्विस जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब। सेकेंडली, यहाँ पे रॉयल एनफील्ड वालों का भी बहुत सारा यहाँ पे गलती है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं इस रिगार्डिंग रॉयल एनफील्ड कंप्लेन क्लियर से बहुत बार कॉल पे बात कर चुका हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, जो आरसी है वो मुझे अभी तक नहीं मिला है। वो लोग आफ्टर सेल यहाँ पे कंप्लेन तो ले लेता है, लेकिन कंप्लेन के बाद कुछ भी नहीं करता है। मैं एक नहीं, दो नहीं, लगभग 5 बार रॉयल एनफील्ड केयर जो है वो लोग हर बार मेरा कंप्लेन को रजिस्टर तो किया है, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन मुझे देखने को नहीं मिला है। तो कुल मिला के ये मेरा टोटल एंटायर रिव्यू है। बाइक आपका जबरदस्त है, बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बाइक को आप बेझिझक ले सकते हो, लेकिन इस बाइक में ना तो आपको शोरूम वाला ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट लगाएगा आपको हर चीज़ पाने में, या तो रॉयल एनफील्ड का जो केयर है वो लोग भी आपको उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। अगर आपको आरसी नहीं मिला, अगर आपको बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, आपके साथ अगर धोखेबाजी हो रहा है, तो कुछ भी आपको चीज़ रॉयल एनफील्ड केयर से देखने को नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक केवल मकसद है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बाइक तो सही है लेकिन आफ्टर सेल सर्विस इस बाइक का एकदम बेकार है। तो अगर आप इस बाइक को लेने का सोच रहे हैं तो आप 2 बार सोचिए और उसके बाद डिसीजन बनाइए। बाकी अगर आप लोगों को इस बाइक से रिगार्डिंग या तो कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में हर एक को रिप्लाई करूंगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।